नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। राजस्थान के जयपुर शहर में यूं तो बहुत से मंदिर हैं जिनकी बहुत मान्यता है, जिनके दर्शन करने भक्तगण दूर दूर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। और आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर में स्थित पीपली वाले बालाजी के धाम, जहाँ पंडित जी से बात करने पर उन्होंने इस मंदिर की खासियत और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना कैसे पूर्ण होती है उसके बारे में बताया है। तो आइए आप सब भी सुनिए। आज हम मौजूद हैं जयपुर में स्थित पीपली के बालाजी धाम पर और आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद पुजारी जी से कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और यहाँ ये मंदिर कब से स्थापित है। आइए, ये मंदिर यहाँ पर कब से स्थापित है और इस मंदिर की क्या मान्यता है उसके बारे में बताइए। ये साहब 2006 में स्थापना हुई थी इसकी। अच्छा। अब कोरोना काल में तो नहीं है, लेकिन वैसे खूब भक्त आते हैं, बढ़िया मान्यता है, सबकी मनोकामना पूरी करता है बाबा। तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, मतलब? साहब मैंने की थी इसकी स्थापना। अच्छा, ये मंदिर आपने स्थापित किया है, तो क्या मानता है यहाँ पर? मतलब अभी तो कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि भक्तों का आना जाना बिल्कुल बंद है, लेकिन और दिनों लॉकडाउन से पहले मतलब काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है भक्त वगैरह दर्शन वगैरह करने के लिए आते होंगे। खूब आते हैं साहब, काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो क्या मानता क्या है इसकी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जो भी सच्चे मन से अपनी जो भी कोई दुख संकट ले के आता है वो सबकी बाबा मनोकामना पूरी करता है। क्या सोचकर आपने इस मंदिर की स्थापना की थी 2006 में, आप बता रहे हैं, क्या विचार थे आपके इस मंदिर को स्थापित करने के पीछे? जी, हमारे तो जन्मजात के पूर्वजों ने भी इसकी सेवा करते थे, तो हम वैसे झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ, तो ये एक चाय की दुकान है वो अपनी वो चलाता हूँ। अच्छा। और उसके आर्ट में ऐसे बनाया था कि भाई ठीक है, भगवान की भी सेवा हो जाए, ये काम भी होता रहे। अच्छा। तो और कुछ इस मंदिर की खास बात आप बताना चाहें? खास है साहब, जो अपने सच्चे मन से आ गया उसकी बाबा 101% मनोकामना पूरी करता है। लॉकडाउन से पहले जो मंदिर में भक्त लोग दर्शन करने आते थे और लॉकडाउन के बाद जो अभी लॉकडाउन लग चुका है उसमें क्या उसकी तुलना करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन में तो अब कोई खोलता ही नहीं, अपन तो ये इसकी जोत है, इसके लिए भाई इसको संभालना पड़ता है दिन में 3-4 बार, तो इसलिए अभी खोला नहीं तो भाई खोलते ही नहीं है। सुबह शाम की आरती के लिए ज़रूर खोलते हैं। जी जी। तो यहाँ पे सुबह शाम की आरती के लिए भी भक्तगण अभी मौजूद होते हैं या फिर नहीं? नहीं नहीं साहब, कोई 1-2 आदमी आता है, बाकी अकेले को ही करनी पड़ती है। अच्छा, पूजा वगैरह भी आप अकेले ही कर रहे हैं पूरा संभाल? दबाव है, मेन रोड का मामला है, आपको गली कूचले में हो तो कोई भी सोचे। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया है कि इन्होंने इस मंदिर की स्थापना 2006 में की थी और इस मंदिर की कितनी ज़्यादा मान्यता है। लॉकडाउन खुलने से पहले यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती थी, लेकिन अब जब लॉकडाउन लग गया है और प्रशासन द्वारा जो सख्त गाइडलाइन है उसके अनुसार अभी यहाँ पर भक्तगण कम देखे जा रहे हैं या ये कहें कि देखे ही नहीं जा रहे हैं। नमस्कार।